हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। आज जो टॉपिक लेके आए हैं, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रूम अटेंडेंट क्या होता है, पब्लिक एरिया अटेंडेंट क्या होता है। बहुत जन की क्वेरीज आ रहा था कि सर आप बताएं कि पब्लिक एरिया अटेंडेंट क्या होता है और रूम अटेंडेंट क्या होता है, ये दोनों सेम होता है नहीं होता है। तो आज थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। पब्लिक एरिया अटेंडेंट जो वर्ड है, वर्ड से आप समझ गए होंगे कि पब्लिक एरिया जो है, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट हो गया, बैंक्वेट्स हो गया, इवन आपके मॉल्स हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, इवन हॉस्पिटल के जो पब्लिक एरियाज जो सेक्शन है, लॉबी हो गया, ये सब एरियाज क्लीनिंग करता है, ग्लास क्लीनिंग करता है, उसको पब्लिक एरिया अटेंडेंट बोला जाता है। पब्लिक एरिया अटेंडेंट से ही प्रमोट होके रूम अटेंडेंट तक पहुंचता है, ठीक है। और पब्लिक एरिया अटेंडेंट का जो सैलरी वाइज पैकेज बहुत कम रहता है। इंडिया के अंदर में लाइक 10,000 आप मान के चलिए, या किसी जगह में 9,000 मान के चलिए, को पब्लिक एरिया का ही टास्क देगा। और हाउसकीपिंग ऐसा डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट में कोई शर्म नहीं है, और इस डिपार्टमेंट में आपको कुछ भी करना पड़ता है। जैसे अब आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, अब मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 15+ ईयर्स हो गया है। आज के दिन में अगर मुझे कोई बोलेगा टॉयलेट क्लीन करने के लिए, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं ब्लेजर और टाई भी पहना हूं तो मुझे ये फीलिंग नहीं आएगा कि अरे यार मैं टॉयलेट कैसे क्लीन करूं ना, दिस इज माय पार्ट ऑफ जॉब। और ये है पब्लिक एरिया अटेंडेंट का टास्क। इवन अगर पब्लिक एरिया अटेंडेंट में अगर लेडी है, जैसे टू वर्ड्स डिस्क्राइब किया जाता है पब्लिक एरिया अटेंडेंट में, एक हाउसमैन अगर वो लड़का है तो, और लड़की है तो चैंबरमेट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि पब्लिक एरिया अटेंडेंट किसको बोलते हैं और हाउसमैन किसको बोलते हैं। आगे रूम अटेंडेंट के बारे में पता करते हैं। रूम अटेंडेंट और गेस्ट सर्विस एसोसिएट जो टास्क रहता है, इट्स रिलेटेड विद द गेस्ट रूम्स। गेस्ट रूम इन द सेंस, जहां पे गेस्ट रहता है, अगर वो होटल रहने दीजिए या मोटेल रहने दीजिए, जिस रूम में गेस्ट रहता है कि इन एंड आउट की क्लीनिंग, उसमें वो बाथरूम भी आ जाता है, उसमें बेड मेकिंग आ जाता है, टॉवल फोल्डिंग आ जाता है। तो रूम अटेंडेंट जब आप बन जाते हो तो रूम अटेंडेंट में आपको बहुत चीज सीखने को मिलता है। टॉवल फोल्डिंग आपको सीखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेड फोल्डिंग आप लोगों को सीखने को मिलता है, बेड मेकिंग आप लोगों को सीखने को मिलता है, ट्रॉलिंग सेटिंग आपको सीखने को मिलता है, इवन आपको लिनन के बारे में पता चलता है। लिनन इन द सेंस बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस टॉवल किसको बोलते हैं वो समझ में आता है आपको। प्रॉपर्टीज में बाथटब रहता है, बाथटब डेकोरेशन आपको सीखने को मिलता है, टॉवल आर्ट्स आपको सीखने को मिलता है, इवन गेस्ट इंट्रैक्शन करने को चांसेस मिलता है, क्योंकि रूम क्लीनिंग के टाइम में आप गेस्ट से बात करते हो, इससे आपकी कम्युनिकेशन बढ़ता है। और पब्लिक एरिया अटेंडेंस से ज़्यादा रूम अटेंडेंट का वैल्यू है, और रूम अटेंडेंट का जो सैलरी है थोड़ा हायर साइड में है। रूम अटेंडेंट से आप सीनियर रूम अटेंडेंट बन सकते हो। रूम अटेंडेंट की जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 14,000 रुपीज इंडिया के करेंसी के हिसाब से है, और दुबई आप चले जाते हो 100-1500 धिरम तक आपकी पैकेज हो सकता है। और इंडिया के अंदर में लाइक 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, और बहुत सारे सीनियर जीएसएस है जो कि हिल्टन में काम कर रहा है, दे आर गेटिंग अराउंड 23,000-24,000 सैलरीज, राइट। तो अटेंडेंट में आपको सीखने को बहुत चीज मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होता है, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, आपको सीखने को बहुत चीज मिलता है। ट्रॉली सेटिंग आपको सीखने को मिलता है, इवन इन्वेंट्री में आप पार्ट लेते हो, इवन आपको स्टॉक इन्वेंट्री करना सीखने को मिलता है। तो ये सब चीज रूम अटेंडेंट में मिलता है। रूम अटेंडेंट जो टास्क करता है, दैट्स अ रेस्पॉन्सिबल टास्क। रेस्पॉन्सिबल इन द सेंस, पब्लिक एरिया अटेंडेंट में क्या है, पब्लिक एरिया आप क्लीन कर लेते हो, आपके ऊपर पब्लिक एरिया क्लीनिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है। लेकिन जब रूम में आप रहते हो, रूम इज योर कस्टडियन, रूम इज अंडर यू, यू आर द इंचार्ज ऑफ द रूम। और रूम में कुछ भी हो जाता है, गेस्ट के बिलोंगिंग्स रहता है, और उनको बहुत सारे गेस्ट वैल्यूबल्स दिखता है रूम में पड़ा हुआ है, और उसका सेफ्टी का वो ध्यान रखता है। The room attendant is a risky task, and you get a chance to grow from room attendant, senior room attendants. You can grow to a supervisor level, you can grow to a executive level. तो आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था इस बारे में, रूम अटेंडेंट का टास्क क्या रहता है। रूम अटेंडेंट के टास्क के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया, और पब्लिक एरिया अटेंडेंट के टास्क के बारे में भी आपको बता दिया। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। बाय बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत।